हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई है। एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेन आने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ, राजस्थान के अजमेर में एक ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जो कि साबरमती एक्सप्रेस थी, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास ये भिड़ंत हुई है। हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत चार कोच डीरेल हो गए, यानी कि पटरी से उतर गए। ये हादसा रात 1:10 पर मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ। तभी मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। एक ही ट्रैक पर आता देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन में हजारों की संख्या में यात्री भी मौजूद थे। ट्रेन ट्रैक से डीरेल होने के बाद पटरी से काफी दूर पहुंच गई और इलेक्ट्रिक लाइन के लिए लगे खंभे को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के काफी देर बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। गनीमत यह रही, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद यात्रियों से बात की गई थी, उन्होंने बताया ट्रेन करीब 12:55 पर अजमेर रेलवे स्टेशन से निकली और कुछ किलोमीटर चलने के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के समय ट्रेन में बैठे लोगों को जबरदस्त झटका लगा और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिला और बुजुर्ग सीट से नीचे गिर गए। हादसे के बाद रेल अधिकारी देर रात में घटना स्थल पर पहुंचे, जिससे यात्रियों में नाराजगी भी थी, लेकिन किसी के जान माल की कोई भी नुकसान की न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।